दोस्तों ये है लाइफटेक का ब्लूटूथ वायरलेस गेम पैड जिसे आप अमेजोन से परचेज कर सकते हो और यही तो आप इस वायरलेस गेम पैड को खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स इसके आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए आप इस वीडियो में क्योंकि इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे लाइफटेक के इस योमैन वायरलेस गेम पैड को और साथ ही साथ हम टेस्ट करेंगे इस गेम पैड को अपने स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी अपने पीसी और मोबाइल फोन के भी साथ में। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं पहले इसकी अनबॉक्सिंग के साथ में। तो हमारा ये गेम पैड आता है कुछ इस तरह की पैकेजिंग में। सामने की तरफ इसके मॉडल नेम को मेंशन किया गया है और बॉक्स में इस तरफ चले तो यहाँ पर इस गेम पैड की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया गया है और यहाँ पीछे की तरफ इसकी एमआरपी को मेंशन किया गया है। तो एमआरपी तो है इसकी 2499 पर आप इस वायरलेस गेम पैड को अमेजोन से 1200 से 1300 रुपये की प्राइस में परचेज कर सकते हो और यही तो आप इस गेम पैड को खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स इसके आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं और चलते हैं इसके इनबॉक्स कॉन्टेंट्स की तरफ। तो बॉक्स में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है हमारे ये लाइफटेक का योमैन वायरलेस गेम पैड जो कि आता है कुछ इस तरह के काफ़ी इंटरेस्टिंग से डिज़ाइन में। अभी के लिए हम रखते हैं साइड में और चलते हैं इसके बाकी कॉन्टेंट्स की तरफ। उसके बाद हमें बॉक्स में देखने को मिल जाती है एक यूज़र मैनुअल जिसमें आपको इस गेम पैड को कनेक्ट करने की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आती है गेम पैड को चार्ज करने के लिए एक माइक्रो यूएसबी केबल और बॉक्स में आखिरी में हमें देखने को मिलता है एक वायरलेस यूएसबी नैनो रिसीवर। तो हमें यही सब कुछ देखने को मिलता है इसके बॉक्स में। अब हम जल्दी से चलते हैं अपने गेम पैड की तरफ और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू और क्वालिटी की। तो हमारा ये गेम पैड आता है कुछ इस तरह के डिज़ाइन में। सामने की तरफ आपको लाइफटेक की ब्रांडिंग मिल जाएगी और गेम पैड को ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑन ऑफ का स्विच मिलेगा और गेम पैड ऑन होने पर आपको इन चार कीज़ पर बैकलाइट देखने को नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ यहाँ पर नीचे की तरफ लाइट्स देखने को मिलेगी जो कि इस गेम पैड के कनेक्टिविटी और बैटरी स्टेटस आपको बताएगी और साथ ही में यहाँ पर आपको एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिलेगा जिसमें आप अपनी कोई भी माइक्रो यूएसबी केबल को लगाकर इस गेम पैड को चार्ज कर सकते हो। अब ओवरऑल इस गेम पैड की क्वालिटी की तो हम बात करें तो ये गेम पैड आता है कुछ इस तरह के प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी में और साइड में हमें यहाँ पर रबराइज ग्रिप्स भी देखने को नहीं मिलती जैसे कि हमें कॉस्मिक बाइट और रेडगियर प्रो वायरलेस गेम पैड में देखने को मिली थी और इसीलिए इस गेम पैड को होल्ड करना यार इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा। और अभी तक मैंने जितने भी गेम पैड्स को यूज़ किया है सबसे बेकार ग्रिपिंग हमें इसी गेम पैड में देखने को मिली है। अब इस गेम पैड पर मिलने वाली कीज़ और जॉयस्टिक की तो हम बात करें तो यहाँ पर आपको ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में देखने को मिल जाती है और उसके अलावा ये गेम पैड आता है कुछ इस तरह के क्लासिक टाइप के एनालॉग ट्रिगर्स के साथ में जिनकी क्वालिटी यार ठीक ठाक सी है। और यही तो मैं इस गेम पैड को कंपेयर करूँ अपने इस पुराने लाइफटेक वायरलेस गेम पैड के साथ में तो इस गेम पैड पर आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी मिलती है स्पेशली इसके प्रो टाइप के ट्रिगर्स काफ़ी बढ़िया है पर हमारे इस लाइफटेक योमैन वायरलेस गेम पैड पर आपको इतनी बढ़िया क्वालिटी देखने को नहीं मिलती जितनी कि हमें हमारे पुराने लाइफटेक वायरलेस गेम पैड में देखने को मिली थी। और उसके अलावा हमारे ये वाला लाइफटेक गेम पैड भी आता है इस एडजस्टेबल मोबाइल होल्डर के साथ में जिसमें आप अपने मोबाइल फ़ोन को सिक्योरली अटैच कर सकते हो। अब इस गेम पैड पर मिलने वाली बैटरी और वायरलेस रेंज की तो हम बात करें तो ये गेम पैड आता है 400mAh की बैटरी के साथ में जो कि एक घंटे में फुल चार्ज हो जाती है और एक बार ये गेम पैड फुल चार्ज होने पर आप इसे कंटिन्यूसली 20 घंटे तक गेमिंग कर सकते हो जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया एक बैटरी बैकअप है। और उसके अलावा इसकी वायरलेस रेंज की तो हम बात करें तो इस गेम पैड पर आपको 5 से 8 मीटर की वायरलेस रेंज मिलती है और ये गेम पैड ब्लूटूथ 4.2 टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। इस गेम पैड की वेट की ये तो हम बात करें तो इस गेम पैड का ओवरऑल वेट है 217 ग्राम्स का। अब बात करते हैं इस गेम पैड के कनेक्टिविटी ऑप्शंस की तो ये गेम पैड इनबिल्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है मतलब कि आप इस गेम पैड को अपने स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी और अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में बिना किसी यूएसबी वायरलेस रिसीवर के कनेक्ट कर सकते हो। गेम पैड डायरेक्टली आपके डिवाइस के ब्लूटूथ के साथ में कनेक्ट हो जाएगा पर इस गेम पैड को अपने पीसी के साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको इसके साथ में आए हुए यूएसबी वायरलेस रिसीवर की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके अलावा ये गेम पैड आता है डुअल वाइब्रेशन मोटर के साथ में और इसकी वाइब्रेशन को भी मैंने टेस्ट किया था जो कि काफ़ी बढ़िया वाइब्रेशन फीडबैक देती है। तो चलिए अब हम इस गेम पैड को कनेक्ट करते हैं अपने स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी के साथ में और उसके बाद हम इस गेम पैड को अपने पीसी और मोबाइल फ़ोन के साथ में भी टेस्ट करेंगे।
तो इस गेम पैड को हम टीवी के साथ में एक्स मोड में कनेक्ट करेंगे और इस गेम पैड को अपने स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी के साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली इस एक्स की और होम की को 3 सेकंड तक प्रेस करना है और आपका गेम पैड अब पेयरिंग मोड पर चला जाएगा। और उसके बाद जाना है आपको अपने टीवी की ब्लूटूथ सेटिंग्स में और यहाँ से आपको अपने गेम पैड के नाम को सेलेक्ट करना है और पेयरिंग के बाद यहाँ पर लाइट जो है वो स्टेबल हो जाएगी। तो गेम पैड अब हमारा टीवी के साथ में कनेक्टेड है और मैं जल्दी से यहाँ से आपको एक गेम को प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इस गेम पैड की परफॉर्मेंस का अंदाजा लग सके। और हम यहाँ पर प्ले करने वाले हैं इस रियल रेसिंग 3 गेम को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे ये लाइफटेक ह्यूमन वायरलेस गेम पैड टीवी के साथ में काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है और इस गेम पैड को मैंने अभी अपने स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी के साथ में डायरेक्टली ब्लूटूथ के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। वैसे आप इस गेम पैड को अपने टीवी या फिर अदर डिवाइसेस के साथ में USB डोंगल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। गेम पैड की सभी चीज़ भी काफ़ी अच्छी तरह से रिस्पॉन्स कर रही है और डिले भी हमें यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यार ये गेम पैड इतना ज़्यादा लाइट वेट नहीं है और इसके इस डिज़ाइन के कारण ये होल्ड करने में भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो अपने स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी के बाद अब हम इस गेम पैड को कनेक्ट करेंगे अपने PC के साथ में और मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ अपना विंडोज 10 कंप्यूटर। तो गेम पैड को अपने कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको इसके साथ में आए हुए इस USB वायरलेस रिसीवर को अपने कंप्यूटर के USB बोर्ड पर कनेक्ट कर देना है और उसके बाद आपको इस होम बटन और लेफ्ट की को 3 सेकंड तक प्रेस करना है और आपका गेम पैड इंस्टेंटली आपके PC के साथ में पेयर हो जाएगा। तो गेम पैड अब हमारा PC के साथ में सक्सेसफुली पेयर्ड है और मैं जल्दी से आपको यहाँ से एक गेम को प्ले करके दिखा देता हूँ। और हम यहाँ पर प्ले करेंगे इस एसॉल्ट 9 गेम को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि जिस तरह से इस गेम पैड ने हमारे स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी के साथ में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया, सेम उसी तरह से ये गेम पैड PC के साथ में भी काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है और आप इस गेम पैड को अपने किसी भी विंडोज कंप्यूटर के साथ में यूज कर सकते हो। तो चलिए अब हम इस गेम पैड को अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में भी टेस्ट कर लेते हैं। तो गेम पैड को अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर प्रेस करनी है एक्स की और होम की एक साथ में। गेम पैड अब हमारा पेयरिंग मोड पर चला जाएगा और फिर आपको जाना है अपने फ़ोन की ब्लूटूथ सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको अपने गेम पैड के नाम को जो है वो सेलेक्ट करना है और आपका गेम पैड आपके फ़ोन के साथ में पेयर हो जाएगा। तो गेम पैड अब हमारा फ़ोन के साथ में पेयर है और यहाँ पर लाइट भी जो है वो स्टेबल हो चुकी है। तो चलिए अभी इस गेम पैड के थ्रू मैं अपने मोबाइल फ़ोन पर भी आपको एक गेम को प्ले करके दिखा देता हूँ और हम यहाँ पर प्ले करेंगे एसफोल्ड 8 गेम को। तो फ्रेंड्स आखिरी में अब हम बात करते हैं कि क्या आपको इस गेम पैड की तरफ जाना चाहिए या नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस गेम पैड पर आपको इतनी बढ़िया ग्रिपिंग नहीं मिलती, तो ऐसे में ये गेम पैड होल्ड करने में यार इतना कंफर्टेबल नहीं है और उसके अलावा इस गेम पैड की ट्रिगर्स की क्वालिटी भी इतनी बढ़िया नहीं है। हालांकि इस गेम पैड पर आपको जॉयस्टिक और बटन्स की क्वालिटी जो है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है, लेकिन इसकी ट्रिगर्स की क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप इस गेम पैड की तरफ जा सकते हो। ये तो आप बजट प्राइस में एक बेस्ट बैटरी बैकअप वाला गेम पैड ढूंढ रहे हो और यही तो आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जिस पर USB पोर्ट अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मी टीवी स्टिक। क्योंकि मी टीवी स्टिक पर USB पोर्ट अवेलेबल नहीं है, पर फिर भी आप इस गेम पैड को डायरेक्टली अपने मी टीवी स्टिक के ब्लूटूथ के साथ में पेयर कर सकते हो। और वैसे आपके स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी और PC के लिए ये गेम पैड मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यार इस गेम पैड की क्वालिटी मुझे इतनी बढ़िया नहीं लगी। तो फ्रेंड्स यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।